हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं मीनाक्षी जी आ गई फिर से आपके लिए, आपका अपना केमिस्ट्री का क्लास। तो बच्चों, हम लोग का क्या हुआ, आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो। आज से मैं पढ़ाने वाली हूँ क्या, एबीसीडी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन किस टाइप का होता है, कैसे होता है, उसमें क्या क्या प्रोसीड्यूर है एंड क्या क्या होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें रिएक्शन, क्योंकि केमिस्ट्री विदाउट रिएक्शन इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है ही नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते रिएक्शन क्या करना है। ए प्लस बी इक्वल टू सी, यानी क्या, ये हो गया सब्सट्रेट रिएजेंट से, यहाँ पे ये बी हो गया रिएजेंट और ये क्या हो गया प्रोडक्ट, ये क्या हो जाएगा प्रोडक्ट। ए ये हो गया सब्सट्रेट, ऐसे कंपाउंड कार्बन कंपाउंड जिसके ऊपर रिएक्शन होता है, ऊपर रिएक्शन होगा। बी मान लीजिए रिएजेंट, बी को क्या मान लेंगे, बी क्या है रिएजेंट है, रिएजेंट जो इसके ऊपर अटैक करता है या इसे रिसीव करता है, दो होगा ठीक। एंड सी बना क्या प्रोडक्ट, सी को क्या कहेंगे प्रोडक्ट, इसके रिएक्शन के फलस्वरूप जो कंपाउंड मिला वो क्या हो गया प्रोडक्ट। तो पाथ है, ये क्या है पाथ ए एंड पाथ बी, ये पाथ ए एंड ये क्या हो गया पाथ बी, ये पाथ ए एंड पाथ बी क्या है, ये है मैकेनिज्म, ये क्या है मैकेनिज्म। आगे बात समझ में, सबस्ट्रेट पे रिएजेंट या तो अटैक करेगा या उससे रिसीव करेगा एंड इसके फलस्वरूप क्या बनेगा, बनेगा प्रोडक्ट। ये प्रोसेस जो है ये मैकेनिज्म कहलाता है, क्या कहलाता है मैकेनिज्म कहलाता है। रिएक्शन मैकेनिज्म होता क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म होता क्या है, ये क्या है स्टेप ऑफ रिएक्शन, क्या होता है स्टेप ऑफ रिएक्शन, जिसमें इलेक्ट्रॉन का या तो ट्रांसफर होता है या रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो चलिए इसका हम डिफिनेशन लिखते हैं, व्हाट इज रेट ऑफ मैकेनिज्म। चलिए रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, व्हाट इज रिएक्शन मैकेनिज्म, इट इज अ सेट ऑफ स्टेप, क्या है स्टेप का सेट है, दैट एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन मूवमेंट और ट्रांसफर, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट या ट्रांसफर को रिप्रेजेंट करता है, डिटेल में समझाता है, ठीक है। यही है क्या रिएक्शन मैकेनिज्म। ये लिए R फॉर कार्बन कंपाउंड एंड ये मान लीजिए लिविंग ग्रुप है, ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट रिएक्शन हुआ या तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन या न्यूक्लियोफिल रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन, या तो इलेक्ट्रोफाइल्स पे अटैक करेगा या न्यूक्लियोफाइल, आगे जाके मैं बताऊंगी इलेक्ट्रोफाइल क्या है न्यूक्लियोफाइल क्या है। तो इसमें क्या होगा, ये टूट जाएगा, लिविंग ग्रुप क्या करेगा अपना कार्बन लेके, सॉरी अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, अपना इलेक्ट्रॉन लेके जब निकल गया तो इस पे आ गया माइनस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया। कोई भी कंपाउंड जब बनते हैं तो क्या होता है म्यूचुअल क्या शेडिंग से, इलेक्ट्रॉन के म्यूचुअल शेडिंग से किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अगर उसमें से एक ग्रुप जो है सो क्या किया अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल गए, कार्बन से के साथ जुड़ा है ये ग्रुप, इसे बोलेंगे लिविंग ग्रुप, जो निकल गया वो क्या हो गया लिव हो गया, छोड़ गया, ये लिविंग ग्रुप हो गया, क्योंकि कार्बन लेके इलेक्ट्रॉन लेके निकला है इसलिए इस पे क्या हो गया माइनस चार्ज, और चूंकि इसका इलेक्ट्रॉन लेके निकला है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये क्या हो गया, तो कार्बन है उसपे क्या दो होता है, एक एनायन होता है एक कैटायन होता है, माइनस चार्ज एनायन और प्लस चार्ज कैटायन, तो यहाँ एनायन और वही कैटायन होता है ना, हाँ, तो ये क्या हो गया कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, तो ये बन गया क्या कार्बो कैटायन, कार्बो कैटायन, क्योंकि कार्बन पे ऐसे कार्बो कैटायन, ये हो गया ये सबस्ट्रेट है, ये हो गया कार्बो कैटायन, ये क्या हो गया, ये हो गया लिविंग ग्रुप। आगे बात समझो बच्चों, अब क्या करेगा स्टेप वन, ये हो गया स्टेप
वन। अब चूंकि ये R प्लस है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस है, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल, क्या होगा, कोई न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है यानी प्रोटीन ज्यादा है, तो जिसको प्रोटीन से प्यार होगा वो न्यूक्लियस से प्यार हुआ, न्यूक्लियस में प्रोटीन होता है, तो न्यूक्लियस से प्यार हुआ या न्यूक्लियोफाइल हो गया, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल इस पे आके अटैक करेगा, अटैक क्या करेगा, इसको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो मान लीजिए ये स्टेप टू में, स्टेप टू ये R प्लस है, कोई X मान लीजिए जिस पर माइनस है, वो आके इसमें जुड़ गया और बन गया RX। तो ये तो हो गया कार्बोकेटायन और ये क्या हो गया न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ठीक, और फॉर्मेशन हुआ RX का, ये कंपाउंड बन गया। आगे बात समझ में बच्चों, ये क्या हो गया कंपाउंड बन गया। तो ये कौन सा रिएक्शन, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक का सब्स्टिट्यूट करके यहां से ये जगह पे से इसको हटा के खुद इसके जगह पे आ गया, ये रिएक्शन क्या कहलाया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्टेप समझ में आया, फर्स्ट स्टेप में क्या था, लिविंग ग्रुप जरा जुड़ा हुआ था, वो लिविंग ग्रुप क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, फॉर्मेशन हुआ कार्बोकेटायन का। अब चूंकि कार्बोकेटायन है, इसमें क्या है प्रोटीन, सॉरी प्रोटॉन एक्सेस है, ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होता है वो इस पे क्या करता है, ये जो खाली जगह है उसको रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह पे आके लग जाता है और इसको हटा के उसके जगह पे आ गया, तो ये बन गया क्या RX, नया कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये रिएक्शन कहलाया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी एक को हटा के दूसरा उसके जगह पे आ गया, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये सारा प्रोसेस क्या कहलाया, मैकेनिज्म, ये सारा प्रोसेस क्या कहलाया बच्चों, यही सारा प्रोसेस कहलाता है मैकेनिज्म। अब हम सब्सट्रेट क्या होता है, चले वो इसको डिफाइन करती बताती। सब्सट्रेट एक रिएक्टेंट है जो क्या करता है, कार्बन का सप्लाई करता है नया बॉन्ड बनाने के लिए। तो रिएजेंट एंड सब्सट्रेट दोनों रिएक्टेंट ही है, ठीक है, दोनों क्या है, रिएक्टेंट ही है, रिएक्टेंट में दोनों आ गए, ये सब्सट्रेट हो गया, ठीक। तो मान लीजिए यहां देखिए, ये ले लिया हमने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक। अब यहां पे जब रिएक्शन हुआ तो ये यहां पे रिएक्ट करेगा, ये अटैक करेगा, क्यों अटैक करेगा, इससे यहां पे तो फुलफिल है, फिर अटैक क्यों करेगा, तो हम लोग पढ़े होंगे टेंथ में भी पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या है, ये लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, क्या है इनमें, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बहुत आसानी से ये टूट जाएंगे, तो जो आसानी से टूट जाएगा उसमें तो कोई भी अटैक करेगा, ये चूंकि लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इस पे अटैक होगा और फॉर्मेशन किसका होगा बच्चों, ये मेजर प्रोडक्ट हो गया एंड माइनर भी होगा, दोनों तरफ से हो सकता है, आ गई बात समझ में। ये रिएक्टेंट हुआ, ये दोनों, ये क्या कहलाता है सबस्ट्रेट, क्या कहलाता है सबस्ट्रेट, और प्लस रिएजेंट मिलके क्या बन गया रिएक्टेंट, सबस्ट्रेट प्लस ये रिएजेंट जो इस पे अटैक किया, ये दोनों ऑन द होल ये कहलाया क्या
रिएक्टेंट, दोनों के रिएक्शन से ही ना बनता है नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ये कहलाया रिएक्टेंट। आगे बात समझ में? तो रिएक्टेंट को, ये तो सब्सट्रेट हो गया, रिएक्टेंट को डिफाइन करें। चलिए तो समझ गए रिएजेंट क्या होता है। तो रिएजेंट जो होता है वो या तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी होगा या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस होगा। इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके करेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस होगा तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो रिएजेंट क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस स्पेसी विद अटैक द सबस्ट्रेट, जो किस पे अटैक करता है, सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा, तभी ना किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। आगे पास में ये तो हो गया, जैसे अभी हम मैंने अभी आपको बताया ना, ये देखिए कार्बन है, क्योंकि इसमें लूजली बॉन्डेड बाय इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोई भी रिएजेंट अटैक करेगा, किसी चीज की कमी रहेगी, डिफिशियंसी रहेगी, तभी ना अटैक होगा। जब सब कुछ फुलफिल रहेगा तो जल्दी अटैक होगा ही नहीं। ठीक, तो ये यहाँ लूजली बॉन्डेड बाय इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एच एफ मान लीजिए ये रिएजेंट है, रिएजेंट इस पे अटैक करके इसके बॉन्ड को तोड़ता है और फॉर्मेशन करवाता है किसका, सिंगल बॉन्ड वाले इथेन का, एच यहाँ एफ एच जो अभी मैंने बताया था सेम। तो ये क्या हो गया, ये रिएजेंट हो गया, ये रिएजेंट हो गया, और ये सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट और दोनों मिलके बन गए क्या, रिएक्टेंट, और ये क्या हो गया, ये है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। आ गई बात समझ में? माइनर और मेजर और माइनर भी होता है, मेजर ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होया, प्रोडक्ट होया, कंपाउंड बना, वो मेजर हो गया, और जो ज्यादा स्टेबल नहीं हुआ वो माइनर कहलाता है। आगे बात समझ में? अब रिएजेंट पे आते हैं। रिएजेंट टू टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है न्यूक्लियोफाइल और दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट होता है और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट होता है। तो नेक्स्ट ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।